गाइस, दिस इज हर्ष एंड यू आर वॉचिंग हर्षस्थान। पहाड़ों के बीच में हूँ तो थोड़ा सा अटैचमेंट फील कर रहा हूँ, थोड़ा सा इमोशनल फील कर रहा हूँ पहाड़ों के लिए, और फील कर रहा हूँ कि अभी क्या हालत हो गई है। सब जगह धुंधी धुंध है, विच इज़ नॉट अ फॉग, दिस इज स्मॉग। और पहाड़ों को हमने काट काट के कैसे अपने लिए रास्ते बना लिए और ऊपर जाने के, तो हम जितना ऊपर जाएंगे, इतना ऊपर जाकर अर्थ को डिस्ट्रॉय करेंगे जितनी ऊंचाइयों पे हम जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो ह्यूमन इज सो स्मार्ट, क्या क्या तरीके निकाल रहे हैं उन्होंने नेचर को डिस्ट्रॉय करने के। अब ये सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं, आपको नहीं लग रहा होगा कि यहाँ से कोई तरीका है कि मतलब यू कैन सी समथिंग और यू कैन क्लाइंब इट, बट पहाड़ों को साइड से काट काट के रोड बना दिए हैं। और जैसे ही सामने वाला पहाड़ है, ये रोड ऐसे जा रही है, फिर ऐसे घूम के वो फिर दूसरी पहाड़ी पर टर्न करता है, फिर तीसरी पहाड़ी पर टर्न करता है, और ऐसा करते करते जितने भी पहाड़ हैं उन सब पे रोड्स बना दी गई हैं। जहाँ भी पहाड़ टूटता है उसे लैंडस्लाइड बोलते हैं। लैंडस्लाइड होने के बाद फिर उस पहाड़ को और अंदर से काट दिया जाता है, और अंदर से काटने के बाद फिर थोड़ी सी और घुमावदार सड़क बन जाती है। और उससे क्या होता है, जब उसकी कटिंग की जाती है ना, तो वो वाले पहाड़ ढीला हो जाता है। और जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है और पानी से कटाव होता है, तो उसके चांसेस और ज़्यादा लैंडस्लाइड के होते हैं। तो इस तरह से वो पूरा पहाड़ डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि वो पहाड़ पूरा ढीला हो जाता है और कच्चा हो जाता है। इज़ देयर एनी वे टू स्टॉप इट? नहीं। जो रेवोल्यूशन आया था, मतलब मैं बोलूँगा पिछले 100 ईयर्स में जितनी ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा डिस्ट्रॉय ह्यूमन ने किया है, उतना नहीं हुआ पहले कभी। नहीं, आई डोंट थिंक सो। इस अर्थ को ना इस पोजीशन तक पहुंचने में लगे हैं 50 करोड़ साल से भी ज़्यादा, लेकिन हमने पिछले 100, 200, 300, 500 सालों में वो जो 50 करोड़ साल लगे हैं ना, उसको पूरा हमने तहस नहस कर दिया है। और अभी वी आर लुकिंग फॉर समथिंग की COP26, COP25, COP24, मतलब तरक्की के साथ साथ व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, दे आर लुकिंग टू सेव नेचर। That is not gonna happen. अगर मैं नेचर की बात करूँ, if we stop doing everything right now from this moment, stay as it is, like stay still, तभी भी it will take thousands of years to heal this earth. वो भी completely heal नहीं होगी. So we wanna do everything, we wanna live in this revolutionary world, and still we want that nature. Nature, because of this nature we live, we can't live without this. So पेड़ हैं, हम उनको काटते जा रहे हैं, जितने भी लैंड्स हैं उनको एक्वायर करते जा रहे हैं, और जो अर्थ का जो लंग है, जहाँ से मतलब 25% टू 30% ऑक्सीजन आती है, विच इज़ कॉल्ड Amazon, Amazon के जो जंगल हैं उनको भी हम काटते जा रहे हैं। और वी आर थिंकिंग दैट येस, वी आर डूइंग समथिंग गुड एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, like we are a developed country. No, you are not, you are just a destroyer. Jo country jitni zyada developed hai wo utni hi badi destroyed hai. Like United States, if you take for the example, United States is samay number 1 pe hai jo ki carbon ka sabse zyada utsarjan karta hai. Second number pe hai China. So this is second number destroyer. I will not say this is a developed country, these countries are destroyers. थर्ड नंबर पे आता है अपना इंडिया, एंड प्राउडली आई कैन से दैट यस, वी आर द थर्ड लार्जेस्ट डिस्ट्रॉयर्स, एंड द लीडर्स वी हैव इन इंडिया राइट नाउ, शेमलेसली आई शुडंट से एनीथिंग अबाउट इट, आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ ट्रबल, बट यस। सर, आप लोगों को ये लगता है कि 50-60 कंट्रीज के या 100-200 कंट्रीज के राजनेता इकट्ठे होके कुछ डिसीजन लेंगे, एंड दैट इज़ गोना बी बेनिफिशियल फॉर द अर्थ? आई डोंट थिंक, क्योंकि वो लोग उस ट्रैक पे आने की ही कोशिश नहीं कर रहे हैं जिस ट्रैक पे आना चाहिए, जिसकी वजह से अर्थ हील होगी। दे आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट, मतलब दे आर आस्किंग फॉर द टाइम कि हाँ हमें इतने टाइम और डिस्ट्रॉय करने दो। व्हाट द फक इज दिस लॉजिक यार, कि हमें अगले 20 साल और डिस्ट्रॉय करने दो, हमें अगले 30 साल और डिस्ट्रॉय करने दो। व्हाट यू थिंक वी आर गेटिंग इनटू? दिवाली आई थी अभी, दिवाली पे फायर क्रैकर्स का हुआ था कि भाई नहीं चलाने हैं, इससे अपने पर्यावरण को नुकसान होता है। लेकिन कुछ नेता ऐसे थे कि जो बोल रहे थे कि पटाखे फोड़ो, अबे उल्लू के पट्ठों
तुमने अपनी ज़िंदगी जी ली है, जो आने वाले लोग हैं जो यहाँ पर रहना चाहते हैं, जो जीना चाहते हैं, नॉट ओनली अस यार एनिमल्स एज वेल, मतलब उनका तो कोई दोष ही नहीं है ना, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। हमारी करनी उन जानवरों को भरनी पड़ रही है, जानवर इस चीज़ को बना रहे हैं लेकिन हम इस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो जितने भी उल्लू के पट्टे ये भाषण दे रहे हैं ना कि रामचंद्र जी आए थे उस किसी में पटाखे फोड़ेंगे, अबे उल्लू के पट्टों उस टाइम पर कोई फायर क्रैकर्स नहीं थे, सिर्फ दिए जलाए गए थे। हाँ दिए जलाओ, फायर क्रैकर्स तो बिल्कुल बंद होना चाहिए हर तरीके से। जो नए नए इस समय वेपन्स बनाए जा रहे हैं, लाइक जो एटॉमिक पावर्स बनाए जा रहे हैं टू सेव आवर एसेस, दोज ऑल्सो शुड बी बैंड, उनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए, उनका नामो निशान नहीं होना चाहिए। गन्स और ये जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि डिस्ट्रॉय करती हैं, दैट शुड नॉट बी डन। We should live with peace. We should live with love. The number one priority is right now. We should save the nature. Every person जो कि इस समय अर्थ पे है, कम से भी कम 10 पेड़ लगाए। मुझे पता है उससे भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हर कोई करने नहीं वाला है इसको, और अगर हर कोई भी इस चीज़ को करे उससे भी कुछ नहीं होने वाला है। हम इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर चुके हैं अर्थ को। उन बच्चों की हालत ऐसी होगी कि उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर अपने कंधों पर और मास्क अपने मुंह पे लगा के चलना पड़ेगा। मास्क तो खैर अब भी लगे हैं, लेकिन ऑक्सीजन मास्क वगैरह अपने मुंह पे लगा के चलना पड़ेगा, और उनकी ज़िंदगी जहन्नुम होगी। जो अभी हम जी रहे हैं ना, इट्स फार बेटर, हाउ एवर इट्स वर्स्ट बट इट्स फार बेटर उन लोगों की लाइफ से। सो बेटर यू नो स्टॉप रिप्रोड्यूसिंग राइट नाउ। चलो इस भाषण को यहीं ख़त्म करते हैं। कुछ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, और शेयर दिस वीडियो। देखते हैं कितने लोग पेड़ लगा सकते हैं। आई विल स्टार्ट दिस, आई विल ट्राई टू शेयर, और मैं शेयर करने के साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग भी शेयर करें।